वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जबरदस्त मैच होने जा रहा है। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड कप में 12 जगह पर कुल 48 मैच खेले जाएंगे और वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। हालांकि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान का होगा। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से भिड़ेगी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास की वजह से द्विपक्षीय क्रिकेट बंद है। इससे पहले भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। एशिया कप को किसी न्यूट्रल जगह कराने की मांग की थी। इस पर पाकिस्तान ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का बायकॉट करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान साल 2008 के बाद इसी साल एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है। एशिया कप विश्व कप से कुछ हफ्ते पहले होगा। इसके बाद साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भी पाकिस्तान में ही होंगे। भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के बाद एशिया कप में अब हाइब्रिड मॉडल पर होगा। टूर्नामेंट में कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे और बाकी मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, यानी भारत अपने मैच के लिए पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका जाएगा। फिलहाल बीसीसीआई के वर्ल्ड कप शेड्यूल के तहत पाकिस्तान की टीम लीग मैच के लिए भारत के 5 शहरों में जाएगी। इधर टीम इंडिया 8 अक्टूबर से अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी। वो चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा किया था, जबकि भारत ने साल 2018 एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का कभी दौरा नहीं किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने पहली बार 1952 में भारत का दौरा किया था, जब दोनों टीमों ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। हालांकि 1965 और 1971 की जंग की वजह से 17 साल तक दोनों टीमों के बीच क्रिकेट नहीं खेली गई। साल 1978 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच बहाल हुए। दोनों टीमों ने अगले 20 साल तक 7 क्रिकेट खेली। हालांकि मुंबई हमलों के बाद दोनों देशों में संबंध तल्ख हो गए और क्रिकेट खेलना बंद हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।